हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो, जी हाँ मेरे दोस्त, और 2024 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए ये काफी बड़ी न्यूज है। जी हाँ मेरे दोस्त, बोर्ड ने जारी कर दिया है, आप अपने जो बोर्ड फॉर्म है उसमें संशोधन करा सकते हैं अभी। ठीक है, संशोधन मीन्स क्या, आप लोग देखते हो, आप लोगों ने ये सुना होगा कि मतलब किसी का जब रिजल्ट आता है तो उसमें उसका नाम चेंज तो पूरा नहीं होता है, मतलब स्पेलिंग गलत हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब उसका फोटो मतलब किसी दूसरे का फोटो आ जाता है, या एडमिट कार्ड में गलत हो जाता है। तो वही क्यों गलत होता है, वो बोर्ड फॉर्म भरते समय ही गलती हो जाती है। ठीक है, तो उसके सुधार है, तो ये देखो ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। और ये मतलब ऑफिशियली ये देखो, ये जो आर्टिकल है, ये जो बोर्ड के सचिव है दिव्यकांत शुक्ल जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था। आप ये देख सकते हैं, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ओपन कर दिया गया है। यहां से जाकर आप अपना सारा का सारा संशोधन कर सकते हैं। कैसे आपको जाना है यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। बाकी कहूंगा, देखो यहां पे अगर आप अभी तक आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किए हो, जी हमें दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैनल का, जो काफी अच्छा है, क्योंकि व्हाट्सएप सबके पास होता है। ठीक है, तो आसानी से व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखो, ये पहले ही मैंने सुबह ही ये पूरी जो आर्टिकल है इसे डाल दिया था, वीडियो बनाने से पहले ही। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट PDF है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं ये व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और जो फर्स्ट लिंक है उसी पे क्लिक कर सीधे आप क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप में ओपन होगे। और यहाँ पे जो ये चैनल लिंक है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप फॉलो कर लेना। ठीक है, ये आप हमारे नंबर, जो हमारा नंबर है ये लिख लो, 85 42 86 64 46, इस पे आप मैसेज करोगे तो भी इस एक तरह से इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब चलो हम लोग अपने जो मेन हम लोग की खबर है, मेन न्यूज है, उस पे चलते हैं। यहाँ 10वीं के फॉर्म में आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, जैसे काफी बच्चों का मतलब होगा कि जैसे मान लो फोटो आपका अपलोड अच्छे से नहीं हुआ है, धुंधला है, तो क्या आप फोटो भी चेंज करा सकते हो, अपनी जन्मतिथि भी चेंज करा सकते हो, या अपना जो नाम है, नाम में मतलब आप चाहते हो कि थोड़ा मतलब मेरा अलग नाम रहे। ठीक है, मतलब अलग नाम कहने का मतलब कि जैसे एक निकनेम होता है नॉर्मल जो सब लोग बोलते, और एक मतलब आपका ऑफिशियल नेम होता है। अगर आपने मतलब नॉर्मल नेम ही 9th में रजिस्ट्रेशन कराया था, नाम चेंज कराना चाहते हैं तो सारा चीज करा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ चलो कैसे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑफिशियल आर्टिकल यहाँ पे मैं निकालता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो, ये लेटर है ऑफिशियल, ये लेटर है। इस लेटर में देखो आप क्या क्या चेंज करा सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विवरणों यथा छात्र का नाम, माता स्लैश पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर यानी मेल फीमेल, कभी कभी ये भी हो जाता है कि मतलब कोई लड़का होता है उसके मतलब एडमिट कार्ड में फीमेल लिख कर आता है, तो ये भी, या जाति भी अपना चेंज करा सकते हो। उसके अलावा फोटो एवं विषयों आदि को मतलब आप सब्जेक्ट भी यहाँ पे चेंज करा सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, चलो इस लेटर को डाउनलोड करना मैं आपको बताता हूँ कि लेटर को आपको डाउनलोड कैसे करना है। देखो, इस लेटर को आपको डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली चलो बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। इस लेटर को डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में या फिर लैपटॉप जो भी ओपन करते हो, वहां पे आपको गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन कर यहाँ पे आपको टाइप करना है UPMSP। ठीक है, आप ये UPMSP टाइप करोगे और सर्च करोगे तो ये फर्स्ट में ही आपको एक रिजल्ट दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP का। ठीक है, तो इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये रिजल्ट जो दिखेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस रिजल्ट पे आप क्लिक करते ही, ठीक है, यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद देखो आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है, स्क्रॉल कर आप नीचे आओगे। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ देखो महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहीं पे महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड वाले ऑप्शन में यहाँ देखो फर्स्ट में ही आपको ये दिख जाएगा
की वर्ष 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 एवं 12 के छात्र छात्राओं के तथा कक्षा 9 एवं 11 के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विवरणों की त्रुटि के सुधार हेतु नोटिफिकेशन, यानी क्लास 9th और 11th के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं 10th 12th के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा क्लिक करते हैं, देखो ये लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप इस तरह लेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप कहोगे कि क्या मतलब हम खुद चेंज नहीं कर सकते, तो नहीं, मतलब आपके लिए ये एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। आप खुद चेंज नहीं कर सकते, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल या स्कूल टीचर जो होंगे, मतलब जो फॉर्म आपका ऑनलाइन करते होंगे, आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में एक ऑफिस होता है, वहाँ पे कंप्यूटर का काम होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन एडमिशन वहीं पे होता है, ठीक है। तो जो होते हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर चलाते हैं वही आपको बताएंगे, या वही आपके मतलब जो भी विवरण है वो निकाल कर देखेंगे कि कोई त्रुटि तो नहीं है। तो आप एक बार, ठीक है, एक बार जाना और एक बार अपने स्कूल पे एक बार अपना सारा का सारा चीज़ चेक करा लेना। आप बोलना कि सर एक बार मेरा चेक कर दीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, चाहे नाम की स्पेलिंग हो गया या फिर जन्मतिथि हो गया या फिर फोटो कहीं मेरा मतलब अच्छे से अपलोड हुआ है ना, कभी कभी फोटो भी अपलोड होना छूट जाता है, तो सारा चीज़ चेंज करा लेना। माता पिता के नाम में कहीं त्रुटि तो नहीं है ना, क्योंकि आगे हो सकता है अब आपको चेंज कराने का मौका ना मिले, लेकिन शायद हो सकता है दिसंबर में एक बार मौका मिलता है, लेकिन क्या पता मिले कि ना मिले, इसलिए आप अभी जाकर एक बार चेक करा लेना कि सब कुछ सही है ना। अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सही होगा, ठीक है, तो आप फिर मतलब उसको चेंज करा लेना, ठीक है, सुधार करा लेना। तो ये थी न्यूज, काफ़ी ये बड़ी न्यूज है, ठीक है, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी जो भी न्यूज थी मैंने आपको बता दिया, ये PDF कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दिया, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर पढ़ सकते हो कि आपका क्या क्या चेंज चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।